students uh, now we are about to finish this research design content analysis we have studied the definition of content analysis merits and demerits of the content analysis basic uh, features of the content analysis then types of the content analysis then how content analysis differs uh, from thematic analysis or discourse analysis uh, and now we are going to talk about कॉन्टेंट एनालिस इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी टू मी एज अचर कॉन्टेंट एनालिसिस इज़ वन ऑफ द मोस्टली यूज रिसर्च डिजाइन ऑफ क्वानिटेटिच इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी वन आई एम सेग इट वट आर द रीजन बिहड इट इसकी क्या वजूहत हैं ये जो दौर है ये इंटरनेट का दौर है मीडिया का दौर है और आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं जो लोगों के साथ वो इन्हीं मीडियम्स के थ्रू करते हैं यानी सोशल मीडिया के थ्रू इंटरनेट के थ्रू और आपकी जो इंटरटेनमेंट है वो मीडिया है वो न्यू आ, वो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या न्यूज़पेपर है या डिजिटल न्यूज़ है तो इसके ऊपर ही आपके ज़्यादातर जो है रिएक्शंस भी अब आते हैं यानी अब आपको सोशल मीडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है वेयर यू कैन सिंपली एक्सप्रेस योर तो जब भी कोई इवेंट होता है ग्लोबल या नेशनल कोई इंसिडेंट हो जाता है कोई मिसहैप हो जाता है या कोई पॉलिसी आती है या कोई भी आ, कोई खुशी की या गमी की खबर आती है तो फर्स्ट थिंग यू डू एज एन इंडिविजुअल यू गो ऑन सोशल मीडिया एंड एक्सप्रेस योर आप व्हाट्सएप पे आप लिंकड पे आप ट्विटर पे सोशल मीडिया के जो और प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक वगैरह उनके ऊपर जाते हैं और अपनी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन वर्ड्स इन पिक्चर्स प्रो पोलिटिकल मीम्स वच्सो है तो अब उनको एनालाइज़ कैसे किया जाए तो उसके लिए तो आप सर्वे रिसर्च नहीं कर सकते उसके लिए आप एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ तो डिज़ाइन नहीं कर सकते तो जो बुनियादी रिसर्च डिज़ाइन है क्वांटिटेटिव रिसर्च का ऐसी चीज़ों को स्टडी करने का वो कंटेंट एनालिसिस ही है कि आप देखें कि हैश जो चल रहे हैं इस टाइम वो क्या हैं वो कितने पॉपुलर हैं किस तरह की पॉपुलेशन में पॉपुलर हैं एक हैश क्या यूथ में पॉपुलर है अगर यूथ में पॉपुलर है तो क्या वो मेल यूथ है या फीमेल यूथ है वो किस एरिया की यूथ है क्या वो पंजाब की है या बलूचिस्तान की है अच्छा वो उसके ऊपर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं पॉजिटिवली कर रहे हैं नेगेटिवली कर रहे हैं या वो उसके ऊपर कुछ अगर कोई इनफॉर्म कर रहे हैं पॉलिसी मेकर्स को तो कैसे कर रहे हैं इसी तरह आ, जो है आप देखते हैं कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इंटरटेनमेंट देखते हैं उस पर आपके जो है किस तरह का आपको कंटेंट दिखाया जा रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है इंडिविजुअल्स के ऊपर फॉर इंस्टेंस आज हाँ, हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो ड्रामा उसके ऊपर चल रहा है वो किस तरह से ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज कर रहा है और वो किस तरह रिडिफाइन कर रहा है जेंडर रोल्स को वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स को कैसे रिडिफाइन कर रहा है वो मदर एंड डॉटर रिलेशनशिप को कैसे रीडिफाइन कर रहा है वो इसी तरह कैसे सन एंड फादर रिलेशनशिप को कैसे रीडिफाइन कर रहा है तो इसको समझने के लिए आपको वो फिर वही कंटेंट एनालिसिस ही, ही एक बेहतर जो है रिसर्च डिज़ाइन लगेगा इसके लिए आप सर्वे नहीं कर सकते और इसी तरह आप पॉलिटिकल अगर कोई कोई न्यूज़ है तो उसके ऊपर रिएक्शन अगर लोगों का देखना है किस तरह लोग रिएक्ट हैं तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही देखेंगे और उसके लिए फिर आप हैशटैग एनालिसिस करेंगे तो वो एक फॉर्म ही है कंटेंट एनालिसिस की कंटेंट एनालिसिस को जब हम देखते हैं तो कंटेंट एनालिसिस का स्कोप सर्वे रिसर्च के साथ भी आप है यानी जब आप सर्वे रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसमें भी मिक्सअप कर सकते हैं कंटेंट एनालिसिस को यानी आप कुछ ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं सर्वे रिसर्च में ओपन एंडेडली के जिसको बाद में आप क्विफाई कर सकते हैं तो आप एक अपने टूल में सर्वे रिसर्च के कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल सकते हैं जैसे जिससे आप कंटेंट एनालिसिस बाद में उसका कर सकते हैं कंटेंट uh, एनालिसिस अब प्योरली एक एकेडमिक रिसर्च का डिज़ाइन नहीं है अब अप्लाइड रिसर्च के लिए इसको यूज़ भी किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया हैश टैग एनालिसिस पॉलिसी पे रिएक्शन किस तरह का आया लोगों की नीड्स क्या हैं उसको जानने के लिए uh, जो है कॉन्टेंट एनालिसिस इज़ अ यूजफुल रिसर्च डिज़ाइन कीपिंग इन व्यू द वर्चुअल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी कंटेंट एनालिसिस को यूज़ किया जाता है आप और इसके साथ कुछ इमरजेंट डिज़ाइन डेवलप हो रहे हैं जैसे कि आप आ, कोई कंटेंट मीडिया पे दिखाएं और उसके बाद उसका इफेक्ट देखें वो इफेक्ट आप सिर्फ बिहेवियल ना हो वो वर्बल भी आप देख सकते हैं तो ये अब कुछ इसका भी एक इमरजेंट डिज़ाइंस डेवलप हो रहे हैं और कंटेंट एनालिसिस को अब आप पार्ट बना सकते हैं एमएमआर में भी मिक्स मेथड रिसर्च में भी बेसिकली uh, तो मिक्स मेथड रिसर्च की जब भी बात होती है तो हम ये कहते हैं कि हमने सर्वे रिसर्च कर ली और दूसरी तरफ हमने क्वालिटेटिव रिसर्च में कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लिए अब वो पहले सर्वे कर लिया या पहले इंटरव्यूज़ कर लिए या दोनों पैरेलल चला लिए तो यही तीन बेसिक जो है उसके डिज़ाइंस बनते हैं मगर अब ऐसी मिक्स मेथड रिसर्च भी सामने आ रही हैं जिसमें सिर्फ सर्वे के साथ इंटरव्यूज ही नहीं आ रहे कंटेंट एनालिसिस के साथ भी आ, आ, जो है क्वालिटेटिव पार्ट आ रहा है और उसको देखा जा रहा है तो ये मिक्स मेथड रिसर्च में एक यूजफुल कंट्रीब्यूशन हो सकती है अगर आप कंटेंट एनालिसिस उसमें करें तो ये एक ओवरव्यू है कि आज के दौर में किस तरह से कंटेंट एनालिसिस यूज़ हो रहा है और क्यों इसकी सिग्निफिकेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है सोशल साइंस की रिसर्च मेथडोलॉजी में पर्टिकुलरली क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी के एज आ रिसर्च डिज़ाइन